हेलो, अस्सलाम वालेकुम प्यारे सब, खैरियत से आप सभी को अपने चैनल ओपन नॉलेज गेनर में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज पिस्को की तरफ से एक पेपर हुआ था जो कि CTS कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस की जानब से कंडक्ट किया गया था। फ्रेंड्स, वो पेपर था मीटर रीडर का। फ्रेंड्स, ये 8 मार्च 2020 यानी कि आज ये पेपर हुआ है। इसी वीडियो में कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे इसी मीटर रीडर का। फ्रेंड, डायरेक्ट टाइम जाए कि ये डायरेक्ट पेपर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, ये इसका पेपर है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको सॉल्व करना, आपको भी कंफ्यूजन होगी कि वर्ड्स की समझ नहीं आएगी, कैसे लिखे हैं कैसे नहीं, तो इसको मैं ऑलरेडी या यहाँ पे जो है इसको ऑलरेडी जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पे पेज में, तो डायरेक्ट इसी से ही सॉल्व करते हैं, ये ज़रा इजी हो जाएगा। और स्टार्ट करने से पहले ये रिक्वेस्ट है कि अगर न्यू विजिटर है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस के अलर्ट्स और नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो 50 एमसीक्यूज थे फ्रेंड्स इसके, तो इसी वीडियो में सारे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, ई पासवर्ड फैसिलिटी बाय विच कंट्री। बेसिकली ई पासवर्ड जो है फैसिलिटी किस मुल्क ने दी थी, तो वो इंडिया ने दी थी। प्रेशर का यूनिट पूछ रहा था कि ऐसा प्रेशर का यूनिट क्या है, तो उसका यूनिट जो है पास्कल था। जेसिंडा एडन इज द पीएम ऑफ, जो जेसिंडा एडन जो है वो किस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर है, तो वो न्यूजीलैंड की जो है प्राइम मिनिस्टर थी है। हु गॉट निशाने हैदर फर्स्ट, किस ने जो है सबसे पहले निशाने हैदर जो है का आगाज किया, तो कैप्टन मोहम्मद सरवर। सिडनी इज द सिटी ऑफ, सिडनी बेसिकली किस शहर में है, इस तरह का क्वेश्चन आया था, मैं आपको उर्दू में भी बता दूं, ये ऑस्ट्रेलिया में है। राशिद बिनास की डेथ पूछी है कि वो कब वफात पाए गए थे, तो वो 1971 में वफात पा गए थे। पाकिस्तान जो है फर्स्ट रॉकेट, पाकिस्तान का पहला जो है रॉकेट वो कौन सा था, वो रहबर रॉकेट था। नंबर ऑफ कंट्रीज इन एशिया, एशिया में कितनी टोटल कितनी कंट्रीज हैं, तो वो उसमें जो है 48 कंट्रीज हैं। जीटी रोड जो है वो किसने बनाई थी, तो वो शेरशाह सूरी ने बनाई थी। ओके, आगे चलते हैं। पीसो इज द करेंसी ऑफ, पीसो जो है किस मुल्क की जो है करेंसी है, तो वो है मेक्सिको की है। 2018 जो है फीफा वर्ल्ड कप, 2018 फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है, था फ्रांस जीता था। और कहाँ पे हुआ था, किस मुल्क ने होस्ट किया था, तो रशिया ने होस्ट किया था। पाकिस्तान फर्स्ट सेंसस कब लगाया हुआ था, फर्स्ट सेंसस बेसिकली मरदमशुमारी का था, तो पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी कब किस में हुई थी, कौन से सन में हुई थी, तो 1951 में हुई थी। पाकिस्तान वन वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने कौन से मुल्क, कौन से एरिया में वर्ल्ड कप जीता था, तो 1992 में जीता था। डेंगू इज कॉज बाय, डेंगू जो है किससे लगता है, तो वायरस से लगता है। सर सैयद अहमद खान एयर जेट, सर सैयद अहमद खान कब वफात पा गए थे, तो 1898 में वफात पा गए थे। नोबल प्राइज ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम, अच्छा डॉक्टर अब्दुल सलाम ने किस सब्जेक्ट में उनको नोबल प्राइज का अवार्ड दिया गया था, तो वो फिजिक्स में दिया गया था। गोरख हिल स्टेशन जो है ये कहाँ पे वाकया है, तो ये सिंध में है। पेंटागोन की कितनी साइड्स होती हैं, पेंटागोन की 6 होती हैं, जबकि हेक्सागोन की आई थिंक 8 के 6 होती हैं। पहला जो है फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी, पहला जो है यूरोपियन का नाम बताएं जो समंदरी रास्ते से इंडिया पहुंचा था, तो वो वास्को डी गामा साहब हैं। हमिंग जो है ये किस का वर्ड है, किसका लफ्ज है, तो वो बर्ड है, हमिंग बर्ड है, सबसे फास्ट बर्ड है। डेड सी जो है ये किस दो ममालिक के दरमियान में वाकया है, तो ये इसराइल और जॉर्डन में वाकया है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है दुनिया का जो है हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मोस्ट कूल प्लेनेट, सबसे ठंडा जो है प्लेनेट, सबसे ठंडा जो है प्लेनेट कौन सा है, तो वो नेपच्यून है। साइथन कयास ये कौन से मुल्क में है, तो ये कुवैत का है। थर्ड लार्जेस्ट ओशन, बेसिकली थर्ड लार्ज दुनिया का सब तीसरा बड़ा जो है दरिया कौन सा है, वो तो ओशन कौन सा है, तो वो इंडियन ओशन, से पहला जो है वो पैसिफिक ओशन।
आयतुल कुर्सी में कितनी आयात हैं? तो एक आयात है उसमें। पाकिस्तान की सबसे पहली जर्री यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे बनाई गई थी? तो वो फैसलाबाद में है, अभी भी है। मंगला डैम जो है ये किस रिवर पे है, कौन से दरिया पर है मंगला डैम? तो रिवर जहलम में है। कादियाजम एयर ऑफ डेथ, कादियाजम कब वफात पा गए थे? तो 1876 में, 1876 में। फरमोसा जो है ये कौन से मुल्क का पुराना नाम है? फरमोसा कौन से मुल्क का पुराना नाम है? तो ताइवान, इसको टीपी भी कहते हैं, उसका कैपिटल जो है वो टीपी है। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो किसने लिखा था? वो हफीज जालंधरी साहब ने लिखा था। कोरोना वायरस जो है सब कोरोना वायरस कौन सी सिटी से फैला गया था सबसे पहले? तो वाहन सिटी थी जहाँ से वो फैला है और अभी तक बहुत से मुल्क अफेक्ट कर चुका है। विच गजवे फौज विदा, अच्छा कौन सी ऐसी गजवे थी जो बगैर किसी नतीजे के लड़ी गई है? तो खंदक है, 9 हिजरी में लड़ी गई थी। नौ हिजरी में नहीं, चेंजे 629 समथिंग, आप चेक कर लो उसको। अब्दुल मुतलिब एयर ऑफ डेथ, अब्दुल मुतलिब कब वफात पा गए थे? तो 558 AD में। टू टाइम्स बिस्मिल्ला जो है कुरान मजीद में कौन सी सूरत है? तो सूरत नमल है। बेसिकली क्वेश्चन में उसका आंसर नहीं था, तो वो नन ऑफ दीज था, इनमें से कोई नहीं आंसर था, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर नमल है, जो कि क्वेश्चन में नहीं था ये ऑप्शन। सूर्य मुल्क जो है वो कौन से सिपारे में है? तो वो 29 सिपारे में है। टॉम्ब ऑफ हमायून का जो है मज़ार कहाँ पर वाक़ है? तो वो दिल्ली में है। अजबे सहद किसको कहा जाता है? तो वो जियूस को कहा जाता है। सहीफे रिपीटेड हजरत इब्राहिम पर कितने सहीफे जो है नाजिल हुए थे? तो 30 सहीफे थे। आई थिंक इसका ऑप्शन भी उसमें ऑप्शन में नहीं था, तो वो भी इसमें नन ऑफ दीज में आएगा। गैप बिटवीन, अच्छा पहली वही और दूसरी वही के दरमियान में कितना गैप है? तो 2 ईयर 6 मंथ है। ये भी आई थिंक उस ऑप्शन में नहीं थे, जो ऑप्शन नहीं था तो उसमें भी इसमें नन ऑफ दीज था, इसमें से कोई नहीं। लॉर्ड कैनिंग जो थे ऑफ इंडिया वॉज, लॉर्ड कैनिंग बेसिकली इन सबसे पे वो सबसे पहले वसराय थे, फर्स्ट वसराय थे। मोहनजोदड़ो एंड हरप्पा इज, अच्छा मोहनजोदड़ो हरप्पा कब डिस्कवर हुए थे? तो वो 1922 में हुए थे। आगरा फोर्ट किसने बनाया था? आगरा फोर्ट अकबर ने बनाया था। प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, अच्छा मतलब मुस्लिम लीग का जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट कौन था? बेसिकली कायद आजम जो थे वो 1934 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद उन्होंने रिजाइन दिया था और फिर खालिकुज्जमान जो है उसके प्रेसिडेंट बन गए थे जो मुस्लिम लीग के। पाकिस्तान का जो है पहला प्रोविजन इलेक्शन कब लड़ा गया था? फर्स्ट प्रोविजन इलेक्शन आज़ादी के बाद सबसे पहला प्रोविजन इलेक्शन कब लड़ा गया था? तो 1951 में लड़ा गया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज एडिटर ऑफ द कॉमरेड, ये बेसिकली मौलाना मोहम्मद अली जौहर किस चीज़ के एडिटर थे? तो कॉमरेड के एडिटर थे। ओके फ्रेंड्स, यही तक क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स ये 47 है, टोटल क्वेश्चन 50 थे, लेकिन कुछ तीन तीन क्वेश्चन जो है वो पढ़े नहीं जा रहे बेसिकली उसमें आंसर्स में, उसमें क्वेश्चन पेपर में, तो इसलिए। लेकिन 50 क्वेश्चंस थे टोटल जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आपको इजी होगा किसी भी पेपर के लिए, आप अगर तैयारी करें तो ये बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। इसको मैंने इंग्लिश में भी जो है ये हो गया, इंग्लिश से मैंने इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप आजकल बेसिकली हर एक पेपर जो है इंग्लिश में आ रहा है, तो कुछ ऐसे हैं जो उर्दू में करते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है ग्रेड पे, बीपीएस पे, लेकिन इस तरह के जो है इस तरह आपको जो है हर पेपर के लिए तैयारी कर सकते हैं इस एमसीक्यूज में से। तो वीडियो से जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर जिन्होंने नहीं किया तो, और लाइक और कमेंट लाजमी करें आपको वीडियो कैसी लगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।